जैसा कि आप जानते हैं कि एसी डायनेमो यानी एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है एंड एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है ओके। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण एनर्जी परिवर्तन के उपकरण के बारे में जानेंगे जैसे कि विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत सेल, विद्युत मोटर और सोलर सेल इत्यादि। ये सब इलेक्ट्रिक उपकरण कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करते हैं ये सब डिटेल में वन बाय वन करके जानेंगे ओके। नंबर वन, विद्युत बल्ब। दोस्तों विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है, मतलब विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ग्रहण करके प्रकाश ऊर्जा प्रोवाइड करता है ओके। नंबर टू, विद्युत हीटर। विद्युत हीटर जो आप यूज करते हैं घरों में, तो विद्युत हीटर क्या करता है कि विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा यानी हीट में चेंज करता है, मतलब विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा ग्रहण करता है और ऊष्मा प्रोवाइड करता है ओके। नंबर थ्री, विद्युत सेल। विद्युत सेल केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है ओके। नंबर फोर, विद्युत मोटर। दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है ओके। जनरेटर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, लेकिन जो मोटर होती है दोस्तों हमारी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है ओके। और नंबर फाइव में है सोलर सेल। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, मतलब जो सोलर सेल होता है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है ओके। जो सोलर सेल होता है तो वो सौर ऊर्जा ग्रहण करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है यानी विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करता है ओके। तो दोस्तों ये थे कुछ अन्य महत्वपूर्ण एनर्जी परिवर्तन के उपकरण जो कि एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म करते हैं यानी कि परिवर्तित करते हैं ओके। और ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।